हाय गाइज, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, बी एम एस एस एम आई गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल ड्रग्स में असोखा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप इस फिगर को देखिए, ये जो लीफ का फिगर है अशोक प्लांट का। अब आप देखिए, ये देखिए लीफ है, क्लस्टर है। ये देखिए ताम्र कलर जो, ठीक है ना, लीफ का फिगर है। ये देखिए फ्लावर, ठीक है, ये प्लांट्स का फिगर है। ठीक है, संस्कृत में इसको अशोक बोलते हैं। लैटिन नेम क्या है? सारका इंडिका ली, ठीक है। और फैमिली बोलते हैं इसको, तो कौन सी फैमिली है, कैसे, ली पिनियोडी फैमिली। वर्नाकुलर नेम में इंग्लिश, गुजराती और हिंदी तीनों में इसको अशोका बोलते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो आचार्य चरक ने इसको कहा है कसाय स्कंद। क्या बोला है? कसाय स्कंद। स्कंद आपने अष्टांग हृदय सूत्र स्थान फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। वेदना स्थापन यानी वेदना का स्थापन करता है लुद्र आदि। आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत और आचार्य भागवत जी ने कहा है इसे लुद्र आदि चूर्ण आती है उसके कंस्टिट्यूटेड के रूप में। अब साइनोनिम्स विद निरुक्ति की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अशोका प्लांट को क्यों बोलते हैं। अ मतलब नॉट, और शोक का मतलब होता है कि जो सब शोक से यानी रिलीव करता है शोक, स्पेशली इन फीमेल में। हेम पुष्पा, ये गोल्डन येल्लो कलर फ्लावर होता है, ठीक है। हेम पुष्पा सिरप भी आती है। ताम्र पल्लव मतलब, ताम्र मतलब क्या होता है, कॉपरी रेडिश कलर होता है, ठीक है। लीव्स कनकेली, कनकेली मतलब क्या होता है, प्लांट जो होता है ना प्लीजेंट लुक होता है। पिंड पुष्पा फ्लावर जो होता है ना क्लस्टर, पिंड मतलब गुच्छा में होता है। गंध पुष्पा फ्लावर हैवी होता है, प्लीजेंट स्मेल और फ्रेग्रेंस होता है। अब नेक्स्ट क्या है, मधु पुष्पा। मधु पुष्पा का मतलब होता है मधु, मधु मतलब क्या होता है, मधुप्रिय मतलब बसंत ऋतु में इसका फ्लावरिंग होता है। स्त्री प्रिय मतलब स्त्री को मोस्टली लाइक करता है फीमेल, स्त्री मतलब फीमेल। फीमेल को क्यों, क्योंकि गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसका बहुत सारा यूज है। हैबिटेट की बात करें तो ग्रो करता है कि सैडी इवर ग्रीन फॉरेस्ट में अप टू 1 किलोमीटर इन सेंट्रल ईस्टर्न हिमालय एंड 1 डे इन साउथ इंडिया। मार्फोलॉजी की बात करें तो स्मॉल इवर ग्रीन ट्री होता है, 6 से 10 मीटर हाइट का होता है। बार्क की बात करें तो इसका जो वाइटी सरफेस होता है डार्क ब्राउन एंड टू ग्रेन ऑलमोस्ट ब्लैक होता है। लिप्स की बात करें तो पेरीपिनेट होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। लिफलेट की बात करें 6 से 12 लिफलेट होता है, रिजिडिटी होता है, सब कैरेसियस होता है और 7 से 25 सेंटीमीटर तक का होता है, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो इसका जो फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, देखिएगा गौर करके, तो डेंस एक्जिलरी कोरियम्स होते हैं, फ्रेग्रेंट से गंध निकलती है। फ्लावर सूंघने उसकी एक गंध होती है, ठीक है। ऑरेंज येल्लो और फाइनली टर्मिन वर्मिलन रेड कलर का हो जाता है, ठीक है। फ्रूट्स की बात करें तो पॉड्स हाइलाइट ऑब्लॉन्ग और वुडी होती है, ठीक है। ये साइज वगैरह याद नहीं करना है, फालतू है। फ्लावरिंग कब होती है, तो मार्च टू अप्रैल, फ्रूट इन अगस्त और टू सेप्टेम्बर होता है, ठीक है। अब किस पार्ट का यूज करते हैं, स्टेम यूज करते हैं इसका, स्टेम बार्क सीड और फ्लावर, इसका तीनों चीज़ यूज करते हैं। रसपंचक की बात करें तो कसाय और तिक्त होता है। रुगुन की बात करें लघु रुक्ष बीरियसीत होता है, विपाक कटु होता है, ठीक है। द बार्क जो होता है ना एक्टिव कंपोनेंट होता है, इसको बोलते हैं हेमाटॉक्सिन। ये टेनिन और कैटकिन रखता है, ठीक है, सब स्टेनियन अमाउंट में रहता है, ठीक है। बार्क एल्केलिन्स होता है, एस्टर एंड प्राइमरी अल्कोहल होता है, टेनिन कैटकिन और केटकॉल और ईपी केटिन ये सब होता है, ठीक है। फ्लावर की बात करें तो फैटी एसिड गैलिक एसिड सीटोएस्ट्रॉल और क्यूरेसेटिन होता है। हम करते हैं होल प्लांट, पूरा प्लांट जो फ्रॉम होल प्लांट से क्या मिलता है, ग्लाइकोसिडिक प्रिंसिपल होता है, नॉन फेनोलिक एसिड होता है, सेपो जीनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, स्ट्रॉल होता है, एलिफैटिक अल्कोहल होता है। फ्लावर की बात करें तो ओलेइक एसिड लिनोइक एसिड पालमिटिक एसिड और स्टेरिक एसिड होता है, किसी फ्लावर से निकलता है। पॉड से क्या निकलता है, केटकॉल ईपी केटकॉल और लिकोसाइनेडिन होता है। कर्म एक्शन की बात करें तो कफ और पित्त दोनों का हरण करता है। हृदय वरुण ग्राही रोग में इसका बहुत अच्छा रोग यूज है, अच्छा रिजल्ट है इसका। सोथ हरा मतलब वो जो स्वेलिंग वगैरह होता है ना पेशेंट का, तो उसमें अच्छा काम करता है। विष घना टॉक्सिसिटी के केस में भी इसका यूज होता है, लेकिन मिनिमम यूज होता है, ज़्यादा आयुर्वेदाचार्य इसको ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। वेदना स्थापन, वेदना का ये स्थापन करता है। रक्त सन्निग्रहणीय होता है, त्रुष्मुख होता है, कृमि घन कृमि रोग में यूज करते हैं। रक्त शोधक जो ब्लड प्यूरिफायर के रूप में ना, ये इसका जो ड्रग्स होता है काफ़ी अच्छा काम करता है। गर्भस्य उत्तेजक, ठीक है, और अश्रिदग्रह नसना और शोष जीता, ठीक है, शोष जो होता है ना उसको जीता।
इंडिकेशन अपची, अपची मतलब इंडाइजेशन में भी दे सकते हैं इसको, तृष्णा के केस में दे सकते हैं, कृमि रोग जो वर्म इन्फेस्टेशन है उसमें दे सकते हैं, विष रोग जो जो टॉक्सिसिटी डिसऑर्डर है उसमें यूज कर सकते हैं, हृदय रोग में, हार्ट डिजीज में यूज कर सकते, रक्त प्रदर में। रक्त प्रदर मतलब क्या होता है, जो मतलब क्या होता है कि जो जो होता है कि जो होता है श्वेत प्रदर और एक रक्त प्रदर, जो गायनिकोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो SRPTC के डॉक्टर होते हैं उनको ये अच्छे से आगे चल के कुछ लोग इसमें से बनेंगे, SRPT करेंगे तो गायनिकोलॉजी बनेंगे। तो रक्त प्रदर इसमें क्या होता है कि फीमेल को जो ब्लीडिंग आती है उसमें जो होता है ना पेनफुल ब्रीदिंग हो गया, या यूरिन जो मेंसेस आती है उसमें ज़्यादा आता है या कम आता है तो उसमें इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। मूत्रघात, ठीक है, ये पेनफुल यूरिनेशन है, और किडनी स्टोन में भी इसका अच्छा यूज है। एक्सटर्नल यूज की बात करें तो इसके वार्क का यूज करते हैं एनाल्जेसिक और एंटी डोटल प्रोडक्ट है, इसका पेस्ट यूज करते हैं पेन में और पॉइजनिंग फॉर लोकल अप्लीकेशन। इंटरनल यूज की बात करें तो नर्वस सिस्टम, इसका इफेक्ट करते हैं नर्वस सिस्टम पर, ठीक है, इसीलिए इसका यूज करते हैं पेनफुल वाता डिसऑर्डर में यूज करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एस्ट्रोजन प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, एंटी हेलमिंथिक होती है, ठीक है, और एंटी डिसपेप्टिक प्रोस्पेप्टिक होते हैं, इसका यूजफुल होता है डायरिया, डिसेंट्री और हेलमेंथेसिस में होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो होमियोस्टेटिक होते हैं, ब्लड प्योरीफाइंग और एंटी डिमोटस इफेक्ट होता है, ठीक है, इसका यूज करते हैं डिजीज ऑफ द ब्लड ब्लड में, इडिमा में। फ्लावर का यूज करते हैं इंटरनल ब्लीडिंग में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो ये मसल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये क्या करता है यूटेरस का जो मसल होता है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका सबसे ज़्यादा यूज इसीलिए है क्योंकि ये मसल को जो होता है ना, यूटेरस के जो मसल होते हैं, जैसे तीन मसल होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, उसको स्ट्रॉन्ग करता है और यूटेराइन डिस्चार्ज को मिनिमाइज करता है। क्या करता है, यूटेराइन डिस्चार्ज को मिनिमाइज करता है। और यूटेरस में अगर किसी पेशेंट को पेन है या कष्ट आर्तव है या नष्ट आर्तव है तो उसमें भी अच्छा काम करता है। मोनोरेजिया, लिक्वेरिया, डिसेमिनेरिया, मतलब जो ये तीनों जो है नष्ट कष्ट आर्तव, नष्ट आर्तव और श्वेत प्रदर, उसमें भी इसका अच्छा खासा यूज है। इसका क्वात का जो होता है ना, ये टॉनिक के रूप में यूज करते हैं, इंडोमेट्रियम जो बाल होता है यूटेरस का उसके टॉनिक में यूज करते हैं। असोखारिस्ट के नाम से मार्केट में बहुत मिलती है असोखारिस्ट, उसका यूज करते हैं हम लोग, लिकोरिया में हो, डिसेमिनेरिया में, मोनोरेजिया में हो, मतलब जो यूटेराइन बाल जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। यूटेरस से रिलेटेड डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करता है। यूरिनरी सिस्टम में डायरेटिक प्रॉपर्टी है तो उसमें, या डिस्यूरिया में कल्क्यूलिया उसमें यूज करते हैं, स्टोन में भी इसका कॉन्स्टिट्यूटेड यूज होता है। टेम्परेचर की बात करते हैं रिड्यूस करता है बर्निंग सेंसेशन, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होता है पायरेक्सिया, पेशेंट को अगर फीवर है तो उसमें भी ये अच्छा काम करता है, ठीक है। हालांकि बहुत सारे ड्रग्स हैं आयुर्वेद में, यहाँ तक बहुत देर से पहुँचते हैं डॉक्टर्स, लेकिन हाँ जो गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं सुखारिस्ट के साथ दे देते हैं तो इसमें भी यूज रहता है, फीवर हल्का फुल्का रहता है। तो दोष की बात करें तो रक्त पित्त कषाय कारक, ठीक है। धातु की बात करें रक्त मेद और रसायन, मल पुरुष और डायुरेटिक होता है। ऑर्गन, ऑर्गन की बात करते हैं यूटेरस में ये बहुत अच्छा काम करता है। अशोक इज स्पेशली यूज होता है रक्त प्रदर में, मोनोरेजिया जो पेशेंट को डिसऑर्डर होती है, जो गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं मोनोरेजिया, मिनोरेजिया, उसमें बहुत ज़्यादा अशोकारिस्ट काम करता है। आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप रेंडमली, बहुत सारे जो गायनोकोलॉजिकल डॉक्टर इसको बोलते हैं फीमेल फ्रेंड बोलते हैं ये ड्रग्स को, ठीक है, तो अशोकारिस्ट के नाम से आती है, आप दे सकते हो। रक्त प्रदर इसमें क्या करते हैं, कोल्ड मिल्क जो ठंडा दूध है ना उसको अशोकारिस्ट के क्वाथ के साथ दे दीजिए। अस्मरी है तो सीड, जो अशोक का जो सीड है उसको पाउडर बना करके पानी के साथ दीजिए। फॉर्मुलेशन की बात करें तो अशोक घृतम, अशोक घृत भी आती है, अशोकारिस्ट की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है ड्रग्स गायनोकोलॉजिकल जो आयुर्वेदाचार्य है वो, बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स भी इसको यूज करते हैं। अशोक का क्षीरपाक वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। चंदन आदि तेल, चंदन आदि तेल बहुत अच्छा काम करती है। नया गुरोद आदि कसाई भी होती है। डोज की बात करें तो डिकॉक्शन जो होता है ना 50 से 100 ml यूज करते हैं, सीड पाउडर 3 से 6 ml यूज करते हैं। अब अदर इन्फॉर्मेशन की बात करें तो फोल्क ओमेन ऑफ छत्तीसगढ़, वो क्या करती है, जो फोल्क ओमेन जो प्रवासी जो वुमेन होती है छत्तीसगढ़ की, वो बॉयल करती है अशोका के जो बार्क होती है उसको गाय के दूध के साथ, ठीक है, उसमें शुगर रखती है और उसको कंज्यूम करती है दिन में 3 बार, ये रिपीट करती है 3 मंथ तक, किसमें, गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए। अब इसी के जो कोरिलेट करके अशोकारिस्ट आता है जो लोग 3 महीने तक हम लोग पेशेंट को देते हैं। इन इंडियन मैरिड हिंदू वोमेन इट करते हैं फ्लावर बर्ड, जो इसका जो अशोक प्लांट का जो फ्लावर बर्ड है उसको खाती है, ठीक है, ग्रिप करके। ट्रीज का सिंबल होता है ये, इसका जो अशोक का प्लांट जो होता है ना लव का सिंबल भी होता है, ठीक है, ये कामदेव को डेडिकेट करता है।
क्यों कामदेव को डेडिकेट करते हैं? क्योंकि ये जो फीमेल की जो यूटेराइन को वाल को स्ट्रॉन्ग करेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में कंसीव करेगी, बेबी प्रोड्यूस करने के लिए होगी, ठीक है। और लव ऑफ लव एंड ह्यूमन हार्ट, ठीक है। वैरायटी ऑफ एडल्ट्रेंस की बात करें तो ये जो एडल्ट्रेंट विद वार्क पोलिथेनिया लिंगोफोलिया होता है, ठीक है, सेरा रोबस्टा होता है, बहुनिया वेजेटिया होता है। अब लॉन्गिफोलिया पॉपुलर अशोका ट्री होता है जो नकाली अशोका के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।